और अभी रास्ता चेक करो गाइस, बहुत गंदा रास्ता है गाइस। पहले के टाइम पे जब मैं वीडियो देखता था यूट्यूब में के लोग उधर पत्थर के उस साइड जाते थे बांग्लादेश में, गाइस बारिश का बूंदे चेक करो गाइस, पूरा खतरनाक हो रखा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। और आज हम लोग आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आ चुके हैं, और अभी फिलहाल हम लोगों ने एक बाइक रेंट पे लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो फिलहाल ये बाइक है, और आरिफ भाई भी है फिलहाल हमारे साथ। और अभी हम लोग फिलहाल डॉक्टर पे जा रहे हैं, और ऐसी दिक्कत हुआ है ना, आज बारिश हो रहा है, पूरा कपड़ा वपड़ा पूरा बिक जाए, आप लोग देख सकते हो मेरा शूज सब कुछ बिक चुका है, कोई गाड़ी आके मार देगा भाई। हाँ ये सही बात है। और अभी लोकेशन चेक करो गाइस, गाइस बारिश का बूंदे चेक करो गाइस, पूरा खतरनाक हो रखा है। हाँ गाइस, इसको छाता नहीं है तो दिक्कत हो रहा है, बारिश पूरा देख सकते गाइस, ये वाला गाइस पूरा नदी ना, मतलब गाइस ऊपर देख सकते हो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है गाइस, हम लोग कैसे निकले वो भी मेरे को मालूम नहीं। ये साइड हमारा इंडिया, तो हाँ सामने साइड है बांग्लादेश का साइड है। अभी फिलहाल लोगों को भी दिखाएंगे आपको गाइस, फिलहाल अभी हम लोग बांग्लादेश जा रहे हैं और बांग्लादेश के लोगों से मिलाते हैं, उस साइड में मजा आने वाला है। फिलहाल गाइस देख सकते हो मछलियाँ पकड़ रहे लोग, ऐसे गुजारा हो जाता है गाइस, मजा है इसमें। कैमन आछेन दादा, भालो आछेन आगे तो फिलहाल। अच्छा गाइस देख सकते हो इस गाइस देख सकते हो यहाँ का ये लोग बांग्लादेश का लोग समझ गया गाइस, फिलहाल हम लोग पासपोर्ट नहीं और हम लोग गाइस नहीं जा पा रहे गाइस, ये देख सकते हो बांग्लादेश का लोग है सामने, और इधर ये सभी बांग्लादेश का लोग ही है। अच्छा सभी बांग्लादेश का लोग है, फिलहाल हम लोग अभी रिटर्न जा रहे, कोई दिक्कत नहीं गाइस, नाउ मोटर नहीं रहा। पहले तो लोग इधर जाके खरीदी वरीदी करते थे ना, पहले लोग उधर जाके खरीदी करते थे ना, अब तो बंद कर दिया है। तो गाइस सीन ऐसा था कि पहले के टाइम पे जब मैं वीडियो देखता था यूट्यूब में कि लोग उधर पत्थर के उस साइड जाते थे बांग्लादेश में, और उधर जाके भी खरीदी कर सकते थे, यानी कि उधर बहुत सारे दुकानें, उधर से कुछ भी खा सकते थे, लोग कर सकते थे। पर आज के टाइम पे क्या हुआ है कि बांग्लादेश के साइड से बस हमारा इंडिया का इधर से ज्यादा जमीन हड़पने की कोशिश किया जा रहा है, जानना ऐसा कुछ भी क्या होता है, ऐसा बहुत सारे वीडियोज देखा मैंने, इंडिया कर रहा है या बांग्लादेश कर रहा है वो तो मुझे पता नहीं, पर जो भी है, पर अभी के टाइम पे लोग उधर नहीं जा सकते। हाँ तो बांग्लादेश के लोग देख सकते हो उनका वो अलग नाव है, उससे आते उस तरफ और उस तरफ से रिटर्न जाते, और हमारे इधर नहीं आ सकते, पुल के इधर से नहीं आ सकते वो लोग। तो और देख सकते हो गाइस भैया बहुत मुश्किल से हम लोग वापस रिटर्न जा रहे हैं फिलहाल, गाइस जैसे आप लोगों को लगे गाइस ये बहुत आसान है, देख सकते तो पानी का लहर इधर से आ रहा है, हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार जब शनबिल गए थे तो आप लोग ब्लॉग देखना हमारा जाफर भाई के भी चैनल पे, मेरे भी चैनल पे जाके देखना, हम लोगों ने जाफर भाई ने भी बोट चलाया था, मैंने भी चलाया था, कितना मुश्किल था, और भाई इतने और इतना बड़ा वाला बोट हमारा, इसमें तो छोटा वाला बोट था, इसमें कितना बड़ा वाला बोट है, और कितना कष्ट कर रहे हैं भाई, तो उनके लिए कुछ भी नहीं हम कर सकते, बस यही बोलेंगे कि कमेंट्स में लाइक कर देना, अपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट प्यारा से कमेंट कर देना, भाई के लिए प्यारा से कमेंट हो जाए। और हम लोग टीममेट जा चुके हैं फिलहाल, ये घाट पे जा चुके हैं क्योंकि वो उधर चले चुके हैं, हम इधर से अभी जाएंगे, उसके बाद उनके साथ मिलके हम लोग फिर से किधर शिलोंग को जाएंगे फिर से। हाँ शिलोंग बाद दूसरी जगह का एक्सप्लेन करते फिलहाल, अभी भी टाइम बहुत बचा हुआ है, कल देखते हैं क्या कौन सा, आज ही फिलहाल देखते कहाँ कहाँ पे मतलब मिल जाते हैं। और आज गाइस रास्ते में आते कितना सारा वाटरफॉल मिला गाइस, आप लोग वीडियो में देख लेना गाइस, बहुत मजा आया था, और भाई मैं बता नहीं सकता इतना मजा आया था। तो अभी जाते हैं देखते क्या सीन होता है क्या नहीं। हाँ देख के मजा आया गाइस, देख के मजा आया बहुत बढ़िया दीदी ने, और हमारा टीममेट गाइस वहाँ पे जाके रेडी हो चुके हैं फिलहाल, हम लोग भी यही पुराना वाला कपड़े पहनते क्योंकि आज देख सकते ये वाला भी जैकेट और कैमरा पूरा बिक चुका है, और पैंट तो पूरा भिगा हुआ है, ये देखो गाइस गाइस इसको ये शर्ट दिया था वो भी बिक, और ये देखो ये भी बिक चुका है पूरा फिलहाल, क्योंकि मैंने दोनों लगा के फोटो शूट किया था और दोनों बिक गए गाइस। हाँ बारिश की वजह से बारिश में गाइस यहाँ पे मत आओ, कोई मजा नहीं, और देख सको अभी फिलहाल वहाँ से गए थे हम लोग वहाँ पे, देखो गाइस कितना स्मोक आ चुका है, नजारा गाइस बहुत मस्त है, बाकी जो भी हो नजारा बहुत मस्त है।
और गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं बोट के पास, मतलब एक लास्ट स्टैंडिंग है, और कैमरा लाने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, बारिश हो रहा था, दिक्कत गाइस, दिक्कत ही दिक्कत बारिश पे ना गाइस। मेरा एक बार पूछ ले भाई, भाई देखो कैमरा पूरा बिक चुका है फिलहाल, अभी बैग के अंदर रखेंगे क्योंकि भाई दिक्कत बहुत ज्यादा होता है। ये लोग भी कैमरा लेके आए क्योंकि भाई इनको मालूम नहीं गाइस कैमरा से फोटो खींचने में कितना दिक्कत आता है, एक बारिश के टाइम कौन गाइस कवर करेगा कैमरा। और गाइस एक आप लोगों को पता है कैमरा का मेंटेनेंस बहुत खराब हो जाता है। ब्रिज चेक करो गाइस, बहुत मस्त वाला आ रहा है। व्यू चेक करो गाइस, व्यू चेक करो, फिलहाल ये लोग अभी निकल रहे, फिलहाल उसके बाद हमारा बोट इधर लगने वाला है और हमारा टेंपमेंट ऊपर फूक रहे गाइस, क्या कर सकते अभी ठंडे की वजह से। और आप लोगों को तो पता है गाइस शिलांग में बहुत ठंडा होता है और इस वजह से गाइस क्या यार हमारा कपड़े भी गाइस पूरा भीग चुका है, पर मस्त मजा बहुत आया। हाँ भाई ये सही बात है गाइस, मजा बहुत है। और देख सकते हो बांग्लादेश को साइड अभी पूरा पूरा स्मोक हो चुका है और यहाँ पर ये जो नदी है ना गाइस बहुत बड़ा नदी, बाइक से जाएंगे तो और भी ज्यादा स्मूक होगा। हाँ आते वक्त गाइस बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं आ पाए थे, बहुत दिक्कत हुआ था। अभी फिलहाल उतरते और सीधा मिलते अपना बैग के पास। गाइस देख सकते हमारा पूरा शू बिक चुका है और अरे भाई चल रहे फिलहाल सीधा। गाइस कभी कभी बंगाली टाइप से गाली आ जाता है तो माफ करना, हम लोगों तो आप लोगों को पता है हम लोग बंगाली से और हर टाइम हम लोग को हिंदी पूरा नहीं आता। तो फिलहाल हमारा पूरा बोट जाने खत्म हुआ और अभी फिलहाल ऊपर जा रहे हैं हम लोग, गाइस बहुत दिक्कत हो रहा है ऊपर चढ़ने। गाइस हम रिगन जा रहे हैं और भाई लोग भी ऊपर सामने चले चुके हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं। और शिलांग में हम लोग दो चार दिन हैं और शिलांग से हम कहाँ कहाँ जाते हैं क्या क्या मजे करते, आप लोग देखते रहोगे साथ। चलो भाई ऊपर चलो पहले, गाइस मैं पूरा थक चुका हूँ फिलहाल, चलो गाइस मेरा पैर में बहुत दर्द है। और अभी फिलहाल चलते फिलहाल बाइक वहाँ पे रखा हुआ है, बाइक के पास आ चुके और अभी मिलते पूरा। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं और रास्ता अभी पूरा क्लीन है, हम लोगों ने ट्रैफिक छोड़ दिया था फिलहाल और रास्ता भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, पूरा खराब ही और बहुत दिक्कत हो रहा था और बारिश की वजह से हाथ भी काम नहीं कर रहा था क्लच पकड़ने में, तो भाई बहुत दिक्कत हो रहा था गाइस, बहुत मतलब आप लोगों को क्या बताओ इतना ही मतलब तकलीफ हो रहा है गाइस बाइक चलाने में। मतलब मैं सोच रहा हूँ मेरी जगह दूसरा कोई बंदा होता ना गाइस उसको मतलब ऐसे रास्ते पर और बारिश के टाइम ना बाइक तो बिल्कुल वो लोग रुक ही जाते हैं। और हम लोगों ने ठान ली थी हमको जाना है डाउकी में, इसीलिए हम लोग आ गए थे। आज इंजॉय बहुत हुआ, बाकी कुछ भी हो जाए इंजॉय बहुत हुआ है। और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं रूम पे और देखते क्या क्या होता है रास्ते का, जितना कुछ होता है आप लोगों को दिखाते रहेंगे, आप लोग वीडियो पे बने रहो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो हम लोगों ने टीममेट बोला था ये वही है और ये लोग स्कूटी से आए थे अरुणाचल प्रदेश से। और अभी रास्ता चेक करो गाइस, बहुत गंदा रास्ता है गाइस, इतना गड्ढा और पूरा गाइस कोयला ही कोयला रास्ते पे रखा हुआ है, इतना छोटा गाड़ी जाने का कोई नाम ही नहीं रहता। और ये लोग तो गाइज मैंने देखा गाइज ये लोग 10-15 स्पीड में चला रहे थे। गड्ढा चेक करो गाइज और रास्ता चेक करो गाइज, इतना ही काफ़ी है गाइज और कुछ नहीं चाहिए। जो लोग जाना चाहते हैं गाइज अच्छा खासा बाइक लेके जाओ वरना मत जाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगा।
अलग दिख रहा है। तुम मेरा भी देखो गाइस खत्म, पूरा बुड्ढा इंसान की तरह। वो इधर बुड्ढा बन रहा है तो इधर से बुट्टा लेंगे और खाएंगे जाफर भाई, क्योंकि मैं बुट्टा खाता नहीं। तो ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है। तुम तो जाके मिलते चार सौ नहीं नल्ला देख सकते हो गाय। पुलिस बाजार किसलिए नाम पड़ा है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि शायद यहाँ से भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए इसका नाम पुलिस बाजार पड़ा हुआ है। इसका नौटंकी देख से सही है, नौटंकी देख लगा है नौटंकी। इधर रश अभी बहुत ज्यादा है क्योंकि सुबह के टाइम पे जो आप लोगों को चार बजे में। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में, फिलहाल हम लोगों ने एक भी सिंगल बेड लिया है, डबल बेड नहीं है। और अभी हम लोग अंकल के घर से आ चुके हैं। देखो आंटी ने हमको बिरयानी दिया, इसका इसका चेक करो गाइस कैसे फैल रहा है। बहुत मस्त बनाया है आंटी ने बिरयानी। अगर आंटी आप वीडियो देख रहे हो तो ऐसे बिरयानी बनाते रहो, हमें बैठ करते रहो और हमें खिलाते रहो। पर थैंक यू आज के लिए, आपने इतना कष्ट किया, बहुत सारे चीजें बनाए खाने में, जैसे मछली दो टाइप का, उसके बाद बहुत सारे चीजें थे, तो थैंक यू आपको अगर इतना सब कुछ बनाने के लिए। मुझे पता ही नहीं था आज आपके घर में जाना पड़ेगा खाना वाना खाने के लिए, मैंने कुछ भी लेके नहीं गया था, मुझे अब गिल्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, हम कल फिर से जाने वाले तो कल कुछ लेके चले जाएंगे। और गाइस आज पूरा हम लोग टायर्ड हो चुके हैं, अभी फिलहाल थोड़ा हाथ करते हैं। और ये देख सकते हैं भाई ने ओरियो मिल्क लेके आ चुके हैं, इसका वही काम है। गाइस देखो कितना 40 रुपया भाई, भाई का बहुत पैसा है। और गाइस देखो अभी फिलहाल बिरयानी खा रहा है मजे से। और गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बाइक भी हम लोगों ने वापस कर दिया क्योंकि काम खत्म है, और कल भी देखते हैं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या अभी तक कुछ प्लान भी नहीं हुआ, देखते कल सुबह होते हैं और नए बेटे के साथ मिलते हैं। बाय, लव यू।